ओपिनियन पोल में प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के आभास के जश्न पर चोरों का कारनामा भारी पड़ गया है। वीरवार रात को भाजपा की जीत के आभास के जश्न में डूबे देहरा के नगर पार्षद की बाजार के बीचों बीच स्थित मनियारी की दुकान का शटर तोड़कर दुकान के अंदर रखे 22,000 रुपए के नोटों के हार उड़ा ले गए। जानकारी के अनुसार देहरा से भाजपा नगर पार्षद रोमी शर्मा गत रात को ओपिनियन पोल में विधानसभा चुनावों में दर्शाई जा रही रिकॉर्ड तोड़ जीत के पार्टी जश्न में शामिल रहे। बाद में दुकान का शटर बंद करके इस पर ताला लगाकर अपने घर सोने चले गए। सुबह जब वे अपनी दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उसकी दुकान का शटर टूटा हुआ था। रोमी ने दुकान के अंदर जाकर देखा तो पाया कि दुकान के अंदर रखे 22,000 के नोटों का हार गायब हो चुके थे। रोमी ने इस चोरी की शिकायत देहरा पुलिस के पास करवा दी है और पुलिस ने भी छानबीन जारी कर दी है। चोरी नुकसान कोई 20-22 हजार का था और जो हार थे कोई 50-60 हजार के हार थे। वो आधे हार भी एक्चुअली पीछे रखे हुए थे, वो ले जा नहीं सके। वो बाकी 20-22 हजार का हार वो ले गए, जितना नुकसान हुआ। बाकी गले में थे वही 500 हजार थे गले में, बाकी वो गए हुए हैं, बाकी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ चोरी बता रहे हैं, चोरी के इसका शटर भी टंडा हुआ है, चोरी उसकी हार वो ले गए हैं और पूरा से रबर गश्त लगती है। इसके बावजूद तो पता नहीं अब सुबह के टाइम उसको क्या अंदेशा लगा रहे हैं, कितनी की चोरी और क्या आगे कर रहे हैं। 15-20 हजार के बीच में हार बता रहे कार्रवाई क्या कार्रवाई इसमें कर रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है, जैसे प्रवासी मजदूर यहाँ पे घूम रहे हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के, हम चाहते हैं कि उनकी यहाँ पे प्रॉपर थाने में रजिस्ट्रेशन हो और जो ठेकेदारों के पास बाकी आम लोगों के पास जो गंदे प्रवासी रखे हुए हैं उनको प्रॉपर ढंग से रखा जाए, ताकि कल को ऐसी जो दिक्कतें बाजार में शहर में आ रही हैं वो ना आए।